ओपन हुआ है सिनेमा किस तरीके से बना हुआ है, तो आपको दे दूंगा सिनेमा फिर आप कैसा लगा? पक्का? मैं अभी जा रहा हूँ देखने के लिए। बढ़िया है ना? बहुत सही है ना? पक्का? ठीक है ठीक है। अभी जस्ट पिक्चर ख़त्म हो चुका है और अभी हम निकल भी चुके हैं और पिक्चर बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही मज़ा आया पिक्चर देख के। सो अभी हम पहले कुछ खाते हैं और फिर मूवी पूरा रिव्यू जो है वो हम आपको घर पे जाके आपको। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और मैं आ चुका हूं अपनी फेवरेट जगह जहां पे मैं अक्सर शूट करता हूं। सो मूवी ख़त्म होने के बाद मैं चला गया था डोसा खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लगी थी और इतनी रात को डिनर करूं फिर सोने मिलेगा नहीं, तो इसके लिए लाइट डोसा खा लिया और अभी जस्ट घर पहुँचा हूँ। और पिक्चर ख़तरनाक थी और सबसे मेन बात जो मुझे लगी भाई, कास्टिंग स्त्री टू की बिल्कुल चेंज नहीं किए, सेम वही थे स्त्री जो फर्स्ट पार्ट में था, सेकंड पार्ट भी में सेम रखे थे। अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट देखा है तो भाई सेकंड पार्ट आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, हॉरर वाली थी। और अभी ऑलमोस्ट अपने आप देख सकते हैं 11:15 बज रहे हैं
और अभी मुझे पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी क्योंकि हॉरर थी भाई। और लिटरली हमारे आगे फैमिलीज बैठी थी, दो फैमिलीज थे, उनके बच्चे थे तो वो लोग तो चले गए थे, पर कॉमेडी भी बहुत अच्छा था। और राजकुमार राव की एक्टिंग सुपर्ब, श्रद्धा की सुपर्ब भाई, बहुत खतरनाक एक्टिंग की। सबसे मेन पार्ट मुझे लगा जब अक्षय कुमार सर की और वरुण धवन की एंट्री हुई थी भाई। वरुण धवन की जब एंट्री हुई लास्ट में, तो भाई पूरा पिक्चर का मूड ही बोलते ना बदल देता है। ओवरऑल मुझे तो पिक्चर बहुत अच्छा लगा है। आप भी जाइए नज़दीकी थिएटर में, पिक्चर देखिए स्ट्रीट टू, और कमेंट करके बताना जिसने देख ली है, और जिसने अभी तक नहीं देखी है वो भी कमेंट करके बताना। और सबसे मेन जो पार्ट जो मूवी का लगा है वो भी मुझे शेयर ज़रूर करना। और इससे क्या है कि हम कनेक्ट हो पाएंगे आपसे, आप मुझसे हो सकेंगे, मैं आपसे कनेक्ट हो सकूंगा। अभी इस मूवी ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।